नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। करड़ी सेना मऊ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा विधायक विजय राजभर पर हमले का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि विधायक के लोगों ने उनके घर पर हमला किया और मेरे बेटे की पिटाई भी की। ये विजय राजभर भाजपा विधायक घोसी जी, वही हमला करवाए थे हमारे घर पर। क्या हुआ, कैसे हमला हुआ? हमला हुआ कि जैसे हम घोसी में एक प्रकरण में राजपूतों पर मुकदमा नहीं कायम होने दे रहे थे, जो है अंदर से वो कप्तान डी या इंस्पेक्टर से दबाव बना करके उसमें मैं 9 लोगों पर मैं मुकदमा कायम कराया। वहाँ सुनील सिंह के बस के ड्राइवर को मारा था उन समय उनके गुंडों ने, उस पर मैं प्रतिकार किया। सारव चौकी इंचार्ज को गाली दिया, दौड़ा के मारने की बात कहा, उस पर मैं प्रतिकार किया। इसके लिए विजय राजभर विधायक घोसी हमारे ऊपर हमको जान से मारने की धमकी भी दिलवाए और 15-20 की संख्या में पूरा हमारे घर जाके पथराव किए हैं लोग हमारे दरवाजे पर। वो तो वीडियो में है सब। हमारे बेटे को मारे भी हैं लोग, कह रहे थे कि तुम्हारा बाप बहुत बोल रहा है विजय भैया के खिलाफ, विधायक जी के, हम लोग तुमको अब रास्ते पर तुम लोगों को चलना बाप बेटे को मुश्किल कर देंगे। उसने एक फोन भी किया था एक लड़का, वो तो मैं कोतवाल को उसमें दिया भी हूँ, नंबर भी दिया हूँ। पुलिस ज्ञापन कर दिया आपने? हाँ, पुलिस को मैं अप्लीकेशन दिया हूँ, वो आश्वासन दिए हैं कि जांच कर मुकदमा कायम किया जाए। अब खतरा तो रहे, क्या जानकर? हमको तो सबसे अधिक विजय राजभर विधायक से खतरा है, वो हमको कभी भी मरवा सकते हैं। विधायक किस पार्टी से? भाजपा विधायक हैं घोसी के।